So hello guys, in this video I'm going to explain the Pythagoras theorem. So it is kind of a most important theorem in class 10th or a most famous theorem hai I think puri math ki. So aiye solve karte hai is theorem ko. So sabse pehle theorem ki jo statement hai wo kya hai, in a right angle triangle the square of one side which is hypotenuse is equal to the sum of other two side, and those two side are base and perpendicular. So now यहाँ से solve जो proof है वो क्या होगा, हमें given क्या है, triangle ABC is right angle at B, ठीक है, and हमें proof क्या करना है, AC square equal to AB square plus BC square, क्योंकि ये हमारा right angle triangle है एक ये, so ये हमारा right angle triangle है ए बी सी, जो कि बी पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है. और नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ बी डी एट ए सी, सो बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है. नाउ हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो सपोज ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल लेते हैं, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी. सो एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी, इज इट ट्रू, बिकॉज ईच 90 डिग्री. नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा ना, देखो एंगल सॉरी इन ट्रायंगल ए डी बी में, और सॉरी ए डी बी एंड ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों 90 डिग्री है ना. और नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में बोथ में ये दोनों कॉमन है, सो ये क्या हो गया हमारा, इसका रीजन क्या होगा हमारा, कॉमन. नाउ एक और एम आएगा, और नाउ इससे क्या हो गया हमारा प्रूफ, ये ट्रायंगल ए बी डी बी सॉरी क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है. सो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, जो इसका प्रोपोर्शन होगा, और बेसिकली वी कैन से दैट इसका जो रेशियो होगा ए डी अपॉन में ए बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन में ए सी क्या होंगे, बराबर होंगे. और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डी का स्क्वायर नहीं, ए डी ओनली ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है. तो इक्वेशन ये हो गई हमारी फर्स्ट. नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल बी इक्वल टू ट्रायंगल डी होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है. और क्योंकि ईच 90, हाँ. सो गाइस ट्रायंगल देखो, इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड सी बी ए में एंगल बी क्या है हमारा 90, और इसमें एंगल क्या है डी क्या है हमारा इसमें 90, तो दोनों 90 है, इसलिए दोनों एक एंगल बराबर हो गए. अब क्या होगा इसमें कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि कॉमन है. अगेन मैं एम भूल जाता हूं बार बार, कॉमन है, तो जिससे क्या प्रूफ हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी
ये किससे प्रूव हुआ हमारा, ए क्राइटेरियन से, ठीक है। सो इससे क्या प्रूफ, इससे क्या हो सकता है, जो इसके प्रोपोर्शन हो गया, और वी कैन से दैट इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होंगे साइड्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। सो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई ए सी। ये इक्वेशन हो गई हमारी टू। अब आता है हमारा मेन मेन स्टेप। सो मेन स्टेप क्या है इसमें हमारा, कि अब दोनों जो दोनों इक्वेशन दो ये दोनों इक्वेशंस है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ऐड, लेट मी एडजस्ट दिस। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। सो दोनों को ऐड करेंगे, इसको बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई ए सी, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ कि पूरा स्पेस में आ जाए, तो ये विजिबल भी नहीं हो रहा आपके लिए। सो से और अच्छे से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर क्या हो रहा है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ए सी बचेगा क्या, ए डी प्लस सी डी। एंड क्योंकि इसमें इस ए डी प्लस सी डी क्या होगा, ए सी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो गाइस ये हमारी प्रूफ हो गई कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बेसिकली जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गई। सो आई होप गाइस आपको ये जो थ्योरम है समझ में आ गई होगी, पाइथागोरस थ्योरम। एंड ये काफ़ी इजी थ्योरम है, लेकिन लोगों को बहुत स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगती है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।